बाद आई हूँ, शायद किसी प्रमोशन के लिए गए हूँ कॉलेजेस में, लेकिन इन जितना अच्छे से ये लोग एक्ट कर रहे थे, हमें याद है हम लोग भी बचपन में करते थे, बचपन में छोटे होते थे, आपके जितने बड़े बच्चे नहीं थे, छोटे बच्चे होके हम लोग जो करते थे, हम लोग भी कितना लाउड एक्टिंग करते थे बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोग तो इतना सटल, इतना अच्छा, और जिस तरह से आप लोगों ने म्यूजिक भी यूज किया है, जिस तरह से आपने किरदार यूज किया, वेरी नाइस परफॉर्मेंसेस. और मैं फिर से उससे बहुत प्रभावित हूँ जो बीएमसी के वर्कर्स के साथ जो वीडियो बनाया है, वेरी नाइसली लिट, वेरी नाइसली शॉट. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए. मैंने मुझे पहले प्रदीप सर का मैसेज आया, कहता तुम्हें बाइक चलानी आती है, मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आती, तो कहते ठीक है तुम्हें पीछे बिठाएंगे क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन कोई ना कोई चलाते ही है. और मैंने कहा बाइक क्यों, फरारी क्यों नहीं, अगर लक्ष्मी जी उनके पास फरारी होनी चाहिए. तो कहते नहीं तुम्हें चेक नहीं करना है कहाँ पे गंदगी है कहाँ नहीं. मैंने कहा राइट, ये ठीक है. तो बाइक वॉज द मोस्ट कन्वीनियंट व्हीकल फॉर लक्ष्मी जी. तो इन दिनों में ऐसा हो जाता है कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है. बाइक में बैठी है तो कुछ लोग जो आजकल बड़े संस्थाएं बनी है कि गॉड को बाइक में क्यों बैठा दिया, लक्ष्मी तो कमल में बैठती है. तब मतलब नहीं, वही मैंने कहा आपको कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि लक्ष्मी जी जो है वो जिस तरह से मैंने कहा कि वो समृद्धि वहीं पे है जहाँ पे सफाई है. तो उनको ये बाइक इसलिए ज्यादा कन्वीनियंट है बिकॉज ताकि वो हर जगह देख सकें. तो आई थिंक दैट वाज द कॉन्सेप्ट. और ये बाइक फरारी की ही हार्ली डेविडसन थी, तो वही केपेबल दैट क्वालिटी बाइक थी. इट वाज नॉट एनी अदर बाइक. एनीवे, कैन वी आल्सो प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव जस्ट वन क्वेश्चन प्लीज सो दैट अदर्स कैन गेट अ चांस. इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज. थैंक यू. की बात करें तो आपने अपने करियर के इनिशियल डेज में अरविंद गौर से काफी कुछ सीखा है, उनके टैलेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत जल्द वो एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ वो यहाँ आने वाले हैं क्या कहा, वो आइजोम्स में ट्रेनिंग देने वाले हैं. अच्छा अच्छा, तो उनके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे. अरविंद गौर जी एक्चुअल में मेरे एक्टिंग गुरु हैं, और जब मैं दिल्ली में थी तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था. उनके साथ मैंने अस्मिता ग्रुप के साथ कुछ प्लेज भी किए हैं, और उस वक्त उन्होंने मुझे ट्रेन भी किया था एक्टिंग में, तो उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ. थैंक यू. हेलो. यस. हेलो हेलो. कंगना और ईशा दोनों से हैं. पहले हम बात कर रहे हैं स्वच्छता मुहिम, ये सब सिलेबस में भी शामिल किया जाए, किट की बात करें तो क्या इसको सिलेबस में, कि हम सफाई की बात की है. और कंगना दोनों से जो हमारे सब्जेक्ट्स है सिविक्स या मॉरल साइंस, हमको बचपन से ही क्लीनलीनेस उन सब्जेक्ट्स में सिखाया जाता है. लेकिन अब बात ऐसे है कि आपके भी बच्चे होंगे, तो अगर बच्चा कुछ करता नहीं है, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, जब तक वो करता नहीं है तब तक हम बोलते जाएंगे, उसके बाद फटके मिलेंगे, है ना, मार मिलेगी. बट टू मेक श्योर कि वो बच्चा वो चीज़ करे. आजकल के बच्चे थोड़े अलग हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं. तो इस तरीके से अगर हमारे सिस्टम में ऐसे कुछ रूल्स आ जाएं जिसके वजह से, जैसे अभी बोला गया कि ओमकार ने कहा कि हम जब हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तो एक डर सा रहता है कि अगर हम वो देश को लिटर करें, वहाँ कुछ फेंकें, तो फाइन आ जाएगा. फाइन्स या कोई रूल्स, रेगुलेशंस, एजुकेशन, अगर ये एजुकेशन हर एक इंसान को, लड़की लड़का सबको, लोअर से छोटे लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक अगर सबको मिले, तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस आएंगे हमारे देश में. जैसे आप कह रहे हैं हमारे वर्कर्स जो हैं, एजुकेशन इज अ मस्ट. उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अगर ये नहीं करोगे, आप अगर
स्वच्छता बरकरार नहीं रखोगे तो लक्ष्मी, यस लक्ष्मी, लेकिन उससे पहले डिजीजेस हमारी जो हेल्थ है, मैं अभी 10-15 दिन बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आउट ऑफ इंडिया शूटिंग कर रही थी, जैसे ही मैं इंडिया बॉम्बे, जब तक वहां थी मैं ठीक थी, जैसे ही लैंड होगी अलग सा एक फीलिंग आता है इन द एयर, यू जस्ट फील दैट, पता नहीं वहां एयर इतना प्योर था, यहाँ इतना पोल्यूशन क्यों है. एवरीथिंग स्टार्ट्स एट अ बेसिक लेवल. अगर हम सब लोग ये सोचेंगे कि इतनी बड़ी चीज है कहाँ से शुरुआत करें, तो वो कभी भी नहीं होगा और कहीं भी नहीं होगा. अगर हम सब ये सोचें कि ये होगा तो ये हर जगह से छोटे तरीके से ये हो सकता है. एंड आई एम श्योर आज नहीं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल वक्त लगेगा, लेकिन नहीं, मैं पहले आपके प्रश्न का जवाब दूंगी. जैसे ईशा जी ने कहा, मैं उनसे सहमत करती हूँ कि हम सभी को एग्जाम्पल जो है सेट करना पड़ेगा. बच्चों को नेचुरली बात है, बच्चे पढ़ाने से तो सीखते नहीं है. उनके सामने जैसा आप व्यवहार करेंगे वो आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे. तो आई थिंक वही जिम्मेदारी एक सबको अपनानी पड़ेगी.